मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्वच्छता मिशन की दिशा में किए जा रहे नवाचार कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके तहत रिसाइकल, रीड्यूज एवं रीयूज, होम कंपोस्टिंग और कंपोस्टेबल कैरी बैग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भोपाल नगर निगम के सहयोग से स्वच्छता मिशन की दिशा में मन्नत संस्था बड़े घर परिवार से ऐसे कपड़ों को इकट्ठा करेगी जिनका उपयोग कैरी बैग के बनाने में किया जाएगा। देश में माननीय नरेंद्र मोदी और प्रदेश में माननीय शिवराज के नेतृत्व में स्वच्छता की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। उसी दिशा में भोपाल नगर निगम के सहयोग से स्वच्छता मिशन की दिशा में मन्नत संस्था बड़े घर बड़े परिवार से ऐसे कपड़ों को इकट्ठा करेगी जिनका उपयोग नहीं हो रहा है। एकत्र करने के बाद संस्था द्वारा इन्हें सैनिटाइज कर गरीब परिवार के बच्चों के बीच दुलार किट बनाकर निःशुल्क वितरित किया जायेगा। देखिए, ये बात सही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए प्लास्टिक की पानी की बाटलों पर रोक लगाई। हम अगर शासकीय कार्यक्रमों में देखें तो अब शासकीय कार्यक्रमों में हम लोग प्लास्टिक बाटलों का उपयोग नहीं कर रहे। जो कांच की बाटल जो होती है उसमें अब पानी आ रहा है या जो भी सोर्स है, परंतु अभी भी बड़ी मात्रा में जो प्लास्टिक की बोतल हैं उनके माध्यम से लोगों को पीने का पानी मिल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग नीति बना रहे हैं और नीति बनाकर प्लास्टिक पर पूरी तरह से हम लोग प्रतिबंध लगाएंगे। अभी जितना प्रभावी होना चाहिए उतना नहीं। सर, क्या बीजेपी के नेताओं में आपसी भी करने की योजना तैयार यहाँ पर की जा रही है सर, कि 24x7 पानी सप्लाई किया जा सके, योजना लगभग तैयार है सर क्या? देखिए, हमारी सरकार अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि चाहे वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह 24x7 वाटर सप्लाई लोगों को मिले। इसके लिए हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से ये योजना अब प्रारंभ हो रही है, कई जगह काम चल रहा है और अब गाँव में भी हम लोग नल के माध्यम से वाटर सप्लाई देंगे और शहरों में भी 24 घंटे वाटर सप्लाई की व्यवस्था हम लोग आने। देखिए, जिस तरह से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में स्वच्छता मिशन के लिए जो काम हमारी सरकार कर रही है, उसी के अंतर्गत आज भोपाल नगर निगम ने स्वच्छता मिशन की दृष्टि से जो ऐसे वस्त्र हैं जो बड़े परिवारों में पड़े रहते, वेस्टेज रहते, उपयोग नहीं रहता, उन वस्त्रों को एक संस्था है मन्नत, वो एकत्रित करेगी बड़े परिवारों से और उनको फिर पूरी तरह से सैनिटाइज करके और बच्चों का उसका किट बनाएंगे और बच्चों को दुलार किट के नाम पर ये फ्री में गरीब परिवारों में वितरित करेंगे। इसी तरह से जो प्लास्टिक है, एक प्लास्टिक ऐसा है कि जो ख़त्म नहीं होता, ये प्लास्टिक है जो जल्दी 3 दिन में ये ज़मीन के अंदर ख़त्म हो जाता है, तो इस प्लास्टिक को भी इसके थैले बनाकर नगर निगम देने का काम कर रहा है। तो जो बेस्ट प्लास्टिक का जो वेस्टेज है वो ख़त्म हो जाएगा, एक इससे ये लाभ होगा। तो ये आज दोनों मिशन आज प्रारंभ हुए। नहीं, अभी तो भोपाल से शुरू हुआ है, आज भोपाल से शुरुआत हुई है
इस तरह के अन्य जगह भी अलग अलग एनजीओस काम कर रहे हैं, परंतु ये जो आज दुलार किट है नहीं, बिल्कुल सही है। अगर इस तरह का कई जगह शिकायतें आती हैं जो आप कह रहे हो, और इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं ढिलाई है, इसको हम और सख्ती के निर्देश देंगे, और आगे अगर कहीं इस तरह की शिकायतें हम लोगों के पास आएंगी तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध हम कार्रवाई भी करेंगे। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने यादव ने संसद में सवाल उठाया कि यूरिया और खाद की कमी है, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जब दौरे पर आए थे गुना शिवपुरी के, तो उनका कहना था कि कोई खाद की कमी नहीं। आज उन्होंने सवाल उठा दिया सदन के अंदर की कमी है मेरे क्षेत्र में यूरिया और खाद की। देखिए, ये एक निरंतर जो खेती का काम होता है वो लगभग जो हमारा ये बोनी का सीजन होता है तो लगभग 2 माह तक बोनी चलती है, तो 2 माह तक किसान को खाद मिले ये उसकी आवश्यकता होती है। कभी किसी सप्ताह में खाद पर्याप्त होता है, कभी किसी सप्ताह में हो सकता है कि रैक टाइम पे ना आ पाए या रैक ना लग पाए, तो एक आध दो दिन की खाद की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनके क्षेत्र में कहीं पर ऐसा विषय उनके ध्यान में आया होगा, इसलिए ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में कही होगी। माननीय सिंधिया जी के ध्यान में जब वो गए होंगे तो ऐसा कोई विषय उनके ध्यान में नहीं आया होगा, या लोगों ने कहा होगा कि हमें पर्याप्त मिल रहा है। और चूंकि वो भारत सरकार में मंत्री हैं तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने भारत सरकार में बात करके, राज्य सरकार में बात करके कोशिश है। आज भोपाल से शुरुआत हुई है, इस तरह के अन्य जगह भी अलग अलग एनजीओस काम कर रहे हैं, परंतु ये जो आज दुलार किट है या पॉलीथिन है ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है, और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रदेश के सभी हमारे जो नगरीय हैं, क्षेत्र हैं, नगर हैं, उनमें हम लोग इसको प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।